Now the next type of properties, chemical properties of ether, जो हम कर रहे हैं उसके कंटिन्यूएशन में है, रिएक्शन ड्यू टू लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ईथरल ऑक्सीजन. सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट, यानी ऑक्सोनियम लवणों का बनना. ये जो अभिक्रिया है ये भी ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ही है, जो कि ईथर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है. सो ईथर जो है वो सांद्र अकार्बनिक अम्लों को घोलकर उनके साथ ऑक्सोनियम लवण बना लेता है. यह यहाँ ब्रॉन्स्टेड लॉरी शार की भांति कार्य करता है. हम जानते हैं कि ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी शार, यानी कि जो हाइड्रोजन लेता है, या फिर ये कहें कि इसी प्रकार ईथर इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों के साथ ल्यूस शार की भांति कार्य करके अपने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन युग्म की सहायता से उनके साथ उप सहसंयोजक बंध बना लेता है और बने उत्पाद भी ऑक्सोनियम लवण ही कहलाते हैं. सो दूसरे टाइप से वो जो ऐसे यौगिक जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उसमें वह इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो इलेक्ट्रॉन्स देने की जो प्रकृति होती है वो है लुईस शार की. तो इसमें दो प्रकार से वो शार की तरह भांति कार्य करता है और ऑक्सोनियम सॉल्ट्स का निर्माण करता है. तो हम दूसरे प्रकार की अभिक्रिया फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट्स इनके बारे में स्टडी करते हैं कि कितने तरीके से वो ऑक्सोनियम सॉल्ट बनाता है. तो पहला हम देखते हैं जब सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करें ईथर को तो यह एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है और अभिक्रिया में पहले ऑक्सोनियम लवण बनता है. तो लेट अस सी हाउ इट प्रिपेयर्स ऑक्सोनियम सॉल्ट. सो ऑक्सोनियम सॉल्ट प्रिपरेशन when they are heated with concentrated sulfuric acid. तो इसमें अगर हम ईथर लेते हैं जिसपे दो लोन पेयर उपस्थित हैं ऑक्सीजन के ऊपर और वो सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया जब करते हैं उसकी, तो वो गर्म करने पर उसकी वो देता है R2O, एक लोन पेयर उपस्थित है ही, लेकिन दूसरा जो लोन पेयर है वो H+ को दे देता है. तो ये जो बन रहा है दिस इज़ डाई एल्किल ऑक्सोनियम राइट. सो दिस इज एक्चुअली एन एडिटिव प्रोडक्ट जहाँ पर एक लोन पेयर वो दे रहा है. तो यहाँ पर जो ईथर है वो इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज जो कि H+ है उसको अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को दे रहा है और इसीलिए हम इसको ल्यूस शार कहेंगे. और जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है वो है यानी हाइड्रोजन सल्फेट. तो ये ऑक्सोनियम सॉल्ट है. ये जो डाई एल्किल ऑक्सोनियम अभी बना है वो H2SO4 जो डिसोसिएट होता है इनटू SO3 एंड HSO4- यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट. तो इसमें पहले वो SO3 से अभिक्रिया करके एक एडिटिव प्रोडक्ट बनाता है जिसमें ये SO3 यहाँ पर जुड़ जाता है एंड वी गेट दिस एडिटिव प्रोडक्ट. एंड दिस एडिटिव प्रोडक्ट रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकेटायन एंड RHSO4 राइट. सो इसमें ये जो R है ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको ऑक्सीजन को देकर जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा R+ में. तो ये R+ के फॉर्म में निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इसने ऑक्सीजन को दे दिया. तो नाउ दिस विल फॉर्म RHSO4.
The product form will be R plus and R H S O 4, right? So ये जो R plus बना है, ये R plus वापस से H S O 4 minus जो कि H 2 S O 4 ने dissociate होकर दिया था, उससे अभिक्रिया करके भी ये R H S O 4 देगा. And this is known as alkyl hydrogen sulfate. So this is one type of reaction ether due to ethereal oxygen. दूसरे प्रकार की अभिक्रिया है कि जब हम ये ether की reaction HCl gas से करवाते हैं, यानी ये HCl गैस को अपने में घोलकर डाईएथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड बना लेते हैं. तो यहाँ हम अभिक्रिया में देख सकते हैं, ये जो है ये HCl जो है ये गैशियस फॉर्म में है, और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है दिस इज डाईएल्किल, क्योंकि R2 डाईएल्किल ऑक्सोनियम क्लोराइड बनाता है, और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं. अगर हम इसमें R की जगह एथिल मान लें, दिस इज डाईइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड. इसी प्रकार ईथर बोरोन ट्राईफ्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके बोरोन ट्राईफ्लोराइड ईथरेट बनाता है, जो हम इसमें देख सकते हैं. दिस इज स्ट्रक्चर. और अगर यहाँ पर हम आर के जगह पर इथाइल ले लें, तो वही बोरोन ट्राई फ्लोराइड ईथरेट जो बनेगा, दिस विल बी बिकॉज ऑफ इथाइल ग्रुप.